बाराबंकी तहसील सिरौली गौसपुर के क्षेत्र ग्राम मिलरायागंज प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में पूर्व विधायक प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के तनुज पुनिया ने टूर्नामेंट मैच का फीता काट कर उद्घाटन किया व मैदान में उतर कर खेल का शुभारंभ किया। यह टूर्नामेंट मैच स्वर्गीय मोइनुद्दीन अंसारी के याद में कराया जा रहा है। इस टूर्नामेंट मैच में 8 टीमें भाग ले रही हैं। एक मेला रायगंज, सफदरगंज, सूरतगंज, बिकौली, लखनऊ की 2 टीमें हैं। समापन 15 तारीख को होगा। इस टूर्नामेंट विजेता टीम को 11,000 रुपये नगद दिया जाएगा। उप विजेता टीम को 6,000 नगद दिया जाएगा व बाकी सभी खिलाड़ियों के लिए सांत्वना पुरस्कार है। पीएलएल न्यूज़ के लिए बाराबंकी से विजय सिंह की रिपोर्ट। क्रिकेट मैच खेलते हैं सब लोग, युवा लोग इकट्ठे होते हैं। अच्छा तरीका है सेहत भी रखने का और समय भी पास करने का, और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह के कार्यक्रम में आप लोग मुझे बुलाते हैं, आप लोग बीच में शामिल करते हैं। समय होता तो मैं भी खेलता आपके साथ, लेकिन समय की बहुत कमी होगी। चुनाव दरअसल बहुत करीब है, राहुल गांधी जी की मीटिंग लगनी है बहुत जल्द लखनऊ में या बाराबंकी में, तो उसी सिलसिले में कल दिन भर बैठक ली गई, इसलिए कल नहीं आ पाया मैं, और उसी की बाराबंकी की तैयारी बैठक करने के लिए लखनऊ से अब लोग आ रहे हैं, इसीलिए आज भी जो है जल्दी आना है। लेकिन क्योंकि वादा किया था तो मैं आना ही आना था, चाहे जो हो जाए, तो फिर इसीलिए हम लोग थोड़ा समय निकाल के जल्दी सुबह आ गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी कमेटी का, हंसला भाई हैं, राजू भाई हैं, शिव कुमार जी हैं, बदरुद्दीन जी हैं हमारे, जुबैर भाई हैं हमारे, तबस्सुम भाई हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इरफान भाई हैं मौजूद हैं, धन्यवाद देना चाहूंगा सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। ये टूर्नामेंट स्वर्गीय मोइनुद्दीन अंसारी टेनिस बॉल 2019 तृतीय टूर्नामेंट है। ये टूर्नामेंट उनकी यादगार में कराया जा रहा है। इसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं। एक टीम मेला रायगंज की है, सफदरगंज, सूरतगंज, बिकौली, लखनऊ की 2 टीमें हैं। 8 टीमें भाग ले रही हैं। इसमें उद्घाटन तरुण पुनिया जी ने किया है। इसका समापन 15 तारीख को गाली भाषमी द्वारा किया जाएगा। विजेता टीम को 11,000 रुपए दिए जाएंगे, उप विजेता टीम को 6,000 रुपए नगद दिए जाएंगे, बाकी सभी खिलाड़ियों के लिए कॉन्सोलेशन प्राइज है। मैन ऑफ द मैच सारे मैचों के हैं, मैन ऑफ द सीरीज है। मैन ऑफ द सीरीज में अक्सा फर्नीचर की तरफ से एक सोफा सेट भी दिया जा रहा है। टूर्नामेंट खर्च का तनुज पुनिया द्वारा दिया जाए? नहीं, टूर्नामेंट ये हमारी कमेटी कर रही है, जिसमें शाहबुद्दीन अंसारी पूर्व प्रधान है, जियाउर रहमान मुन्ना साहब हैं, गासुद्दीन अंसारी हैं, लेकुल्ला साहब हैं, मिनाज सिद्दीकी साहब हैं, मोहम्मद वासिफ। टूर्नामेंट जो प्रोग्राम किसके द्वारा किया जा रहा है? ये टूर्नामेंट मोइनुद्दीन अंसारी, स्वर्गीय मोइनुद्दीन अंसारी क्रिकेट टूर्नामेंट का ये तीसरा लीग मैच खेला जा रहा है, जो सफदरगंज और सूरतगंज के बीच खेला जा रहा है। आपने भी इससे पहले हमारे बड़े भाई नादिर हाशमी से एक क्वेश्चन किया कि ये टूर्नामेंट क्या क्या खर्चा तनुज पुनिया के कोटे से जा रहा है। बिल्कुल गलत बात है, ये अभी आचार संहिता लागू भी नहीं हुई है। वो तो इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं, हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, युवाओं के लिए एक बेहतरीन चेहरा है। आईआईटी रुड़की से बीटेक करके समाज को बेदार करने के लिए आए हैं, ना कि आपने इस चीज को उनके कोटे से जोड़ दिया। ये बिल्कुल गलत बात है, वो सहयोग करने के लिए नहीं बल्कि समाज को बेदार करने के लिए, क्रिकेट में उनकी काफी रुचि है, इस वजह से जो हमारे बीच में आए थे उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कहाँ कहाँ की टीमें हैं इसमें? सूरतगंज और सफदरगंज की टीम अभी खेल रही है, मैलारायगंज की एक टीम है, क्षेत्र में सैदनपुर की 2 टीमें हैं, लखनऊ की एक टीम है, बिकौली की टीम है, एक सादतगंज की टीम है। 8 टीमें इसमें खेल रही हैं, जिसका तीसरा लीग मैच हो रहा है। राहुल गांधी जी ने वादा किया है, हर जगह जाके वादा किया था, पंजाब में वादा किया था, कर्नाटका में किया था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में किया था कि किसानों का कर्ज माफ होगा, और 10 दिन के अंदर इन 5 स्टेटों में कर्जा माफ हुआ है। तो इसी प्रकार से उन्होंने ये भी वादा किया था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आई तो हम 10 दिन के अंदर पूरे देश के किसान का कर्जा माफ करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2009 की तरह इस बार भी हमारी सरकार आएगी और हम लोग कर्जा माफ करेंगे। क्या सपा और बसपा से कांग्रेस का गठबंधन होगा? नहीं, अब उम्मीद तो नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी अब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने सीटें अनाउंस कर दी हैं, अपने आपस में बांट ली हैं, तो हमें तो पूरी तैयारी में थे कि अगर गठबंधन हो जाए तो लड़ेंगे, और नहीं होगा तो हम अकेले लड़ने में भी समर्थ हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस की तरफ जो है एक लहर सी बन के दिखाई दे रही है, क्योंकि मोदी जी से सब नाराज हैं और पूरी जनता ये जानती है
कि अगर कोई केंद्र में इनसे लड़ सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और कोई नहीं।